दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम डेरा सच्चा सौदा के बीच में लोगों से सवाल कर रहे हैं कि लोगों का क्या मानना है, क्या रियल फैक्ट है डेरा सच्चा सौदा का, क्या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है डेरा सच्चा सौदा का, क्या रोल है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा का। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूनम वर्मा। पूनम वर्मा जी, क्वालिफिकेशन क्या है? लैब टेक्नीशियन हूँ मैं। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैंने बचपन से इनामदान लिया हुआ है, तब से मैं डेरा से जुड़ी हुई हूँ। मैम, आज भी जो आप यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में हो तो वो किस पर्पज़ से हो आज आप? मेरे को यहाँ से बहुत कुछ मिला है और पिताजी ने हमें गाइड किया, जैसे जैसे वैसे वैसे हम लाइफ के अंदर चल रहे हैं। मैम, जो फ्री मेगा आई कैंप है, इसमें आप लोग क्या सेवाएँ, क्या सर्विसेज दे रहे हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, तो जितने भी पेशेंट आते हैं उनकी यूरिन शुगर चेक करनी और उनको गाइड करना, अभी आपका ऑपरेशन आगे होगा या नहीं होगा। पहले उनको शुगर की मेडिसिन दी जाती है, उनको सही किया, उसके बाद उनके ऑपरेशन होते हैं। कैसे पेशेंट मैम यहाँ पर आते हैं, मतलब सिर्फ डेरा फॉलोअर्स रहते हैं या कोई और भी होता है? और भी पेशेंट आते हैं, खूब आते हैं, और बुज़ुर्ग ज़्यादा होते हैं पेशेंट जो आते हैं। उनको हमें पिताजी ने सिखाया है, जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं वैसे हमें इनकी सेवा करनी है। हम वैसे ही उनके साथ अपने माता पिता के जैसे व्यवहार करते हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं पिताजी की प्रेरणा के से। मैम, कैसे, मतलब कोई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है जहाँ कुछ इनसे पेमेंट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जितने भी गरीब परिवार हैं सब यहाँ आते हैं, उनका सबका ऑपरेशन होता है, उन्हें अच्छे से गाइड किया जाता है, उनकी अच्छी देखभाल होती है यहाँ पे। अब जैसे कि कोविड है तो वही प्रिकॉशंस उनको दिए जा रहे हैं, उनका पहले कोविड टेस्ट भी हो रहा है, उसके बाद उनको क्वारंटाइन करके उसके बाद उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है उनका। मैम, कितने लोगों को रोशनी दी जा रही है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, कितनी की दी गई है आज तक? काफ़ी दी गई है, पहले जब पिताजी थे यहाँ पे तब बहुत ज़्यादा पेशेंट होते थे, अब हमें लगता है कि हमें पिताजी की बहुत ज़रूरत है। अब पेशेंट उतने नहीं आते जितने पहले आते थे, अगर पिताजी यहाँ होते तो मेरे हिसाब से पहले से भी बहुत ज़्यादा आते। मैम, क्या क्या कहना चाहोगे, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के बारे में मीडिया में काफ़ी अलग दिखाया जा रहा था, जो काफ़ी हेडलाइंस, काफ़ी तमाम खबरें दिखाई जा रही थी, तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पब्लिक ने उन्हीं को देखा है? मैं 4 साल की थी जब मैंने नामदान लिया सच्चा सौदा से, मैं तब से यहाँ पे आ रही हूँ। दी बेस्ट गाइडेंस यहीं से मिली है हमें, जो एक जो शिक्षा हमें माता पिता नहीं दे सकते वो शिक्षा हमें पिताजी ने दी है। मैंने स्टडी भी शास्त्र नाम जी स्कूल, अपने जो डेरे वाला स्कूल है वहीं पे की है, वहाँ पे भी हमें बाहर की स्टडी भी करवाई जाती थी, रूहानियत का ज्ञान, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, इंसानियत के काम कैसे आना है, वो चीज़ें सब सिखाई जाती थी, और हमें पिताजी की वजह से ही वही चीज़ें मिलती थी। और मीडिया के अंदर जो भी दिखाया, भी मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है उन चीज़ों के ऊपर। यहाँ आके देखो आप तो आपको पता लगेगा कि डेरा सच्चा सौदा क्या है। बीइंग गर्ल, कैसी सेफ्टी कैसी लगती है आपको? सेफ्टी बहुत अच्छी है, गर्ल्स का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, जो लेडीज सेक्शन है वो सब अलग है, जो जेंट्स का सेक्शन है वो सारा अलग है। और पिताजी ने जैसे बहुत हमें बताया है, हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, गाइड अच्छे से किया जाता है, बहुत अच्छा है। गुरुजी का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा है, हमें हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यारे हैं। आप मैम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पर गुरुजी आते थे हॉस्टल में, स्कूल कॉलेज में? हाँ जी, आते थे। तो कैसे बच्चों से कैसे ट्रीट करते थे वो? बहुत अच्छे से बात करते थे, पिताजी हमें स्टडी के लिए बताते थे। पहले मैं 10th से पहले जब मैं बाहर स्टडी की थी, मैंने यहाँ शास्त्र नाम जी स्कूल में नहीं की थी, तब मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मेरे परसेंटेज रहते थे 60 के आसपास, उससे ऊपर नहीं जाते थे। मैं यहाँ पे आई डेरे के अंदर, पिताजी ने पढ़ने का तरीका बताया कि हमें पढ़ना कैसे है, मेडिटेशन करना बताया, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनानी है। उसके बाद में मेरे जो परसेंटेज है, अब मैंने MSc बॉटनी से भी कर रखी है, केमिस्ट्री से भी कर रखी है, मेरे 85+ परसेंटेज है मेरिट होल्डर। और उसके बाद में मैंने DMLT की, उसके अंदर भी मैंने बीकानेर जोन के अंदर 2nd रैंक ली थी, तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज रही, और दोनों कोर्सेज मैंने साथ में किए एक बराबर। ये सब पिताजी के कारण है, पहले मैं बहुत ही एक अपने कैसे थे नालायक स्टूडेंट थी, और पिताजी हमें परमार्थ करना भी सिखाते थे, फिर पिताजी वचन करते थे कि बेटा आपको स्टडी के अंदर और इसमें तरक्की मिले, और वही वचन हुए, और उसके बाद में वही एवरेज स्टूडेंट थी मैं, और वही अब काफ़ी अच्छा रिजल्ट रह रहा है मेरा।
मैम, लेकिन आपके हॉस्टल के बारे में, मतलब वहाँ रहने वाली लड़कियों के बारे में, तमाम ऐसी, मतलब एक इज्जत को तार तार किया गया था लड़कियों को, क्या समाज के लोगों को आप क्या बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा, क्या फैक्ट है वहाँ का? नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, लेडीज़ डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, जेंट्स अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। और तो और जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी सही करने वाले थे वो भी जेंट्स नहीं आते थे, लेडीज़ ही आती थी, बहुत सेफ्टी थी हमारी। मैम, गुरुजी के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है? सब झूठ है, बकवास है, मैं एक को भी नहीं मानती। मैम, सिर्फ एक्चुअली में गुरुजी ने कॉन्ट्रीब्यूशन क्या किया है पब्लिक के लिए? हमें, मैं बेसिकली हमारी फैमिली की बात करूं तो हमें एक जीने की राह दिखाई है पिताजी ने। हमारे घर के अंदर पहले ऐसा था, नॉन वेज भी खाते थे, ड्रिंक भी करते थे, जैसे मेरे बड़े पापा, पापा खुद जैसे अपने बोल देते कि हाँ, जो पाखंड फैलाने वाले थे वो थे। और आज पिताजी की रहमत से सारा परिवार जुड़ा हुआ है। जैसे मेरी मम्मी औरों की शादी हुई, वो इस घर के अंदर आए तो उन्होंने बहुत दुख देखे, लेकिन पिताजी ने जो गाइड किया, वही पेरेंट्स हैं हमारे जो वो घर के अंदर आते हैं, हमें खुशी मिलती है। और पहले डर लगता था कि भाई आएंगे घर पे कलेश होगा, हमें अच्छे से जीने का तरीका सिखाया पिताजी ने। हमारे देश के लिए योगदान है मैम उनका? हाँ, बहुत है। पिताजी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो उसके अंदर हम ब्लड डोनेट करते हैं। पिताजी ने हमें प्रेरणा दी तो हम ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वरना शायद मैं ब्लड डोनेट कभी नहीं करती, पिताजी ने कहा तो हम कर रहे हैं। तो जैसे जितने भी फौजी हैं उन सबको ज़रूरत होती है ब्लड की, तो यहीं से ही ब्लड जाता है। क्या अपील करना चाहोगे आप हमारे देश की गवर्नमेंट से, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चेंसा के लिए? आई वॉन्ट कि पिताजी जल्दी से जल्दी आए और सब कुछ पहले की तरह हो हमारे डेरे के अंदर। हम बहुत मिस करते हैं पिताजी को, क्योंकि उन्होंने हमें एक सही रास्ता दिखाया। और पहले शायद हम पिताजी से जुड़े ना होते, शायद हम अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते और बाकी लोगों की तरह नशे कर रहे होते, वो सब करते, हमारा बर्थडे होता है पार्टियां कर रहे होते, लेकिन अब हम नहीं करते, हम परमार्थ करते हैं, डेरे के अंदर आते हैं, हमें खुशी मिलती है यहाँ पे आके। क्या आपको क्या लगता है ये सज़ा किसको मिली है, संत जी को या पूरे समाज को? पूरे समाज को ही मिल रही है। पहले हर जैसे पिताजी नामदान देते थे तो पिताजी जैसे खूब नशे वाले और उनको छुड़ा देते थे नशे, अब नशे तो छूट ही नहीं रहे, बढ़ ही रहे हैं, तो फिर ये सब सज़ा तो समाज को ही मिली, हमें मिली। पहले हमारी सेफ्टी थी, अब वो सेफ्टी कम होगी तो सज़ा तो हमें मिल रही है, समाज को मिल रही है पूरे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये वो फैक्ट हैं जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखा गया। आखिर सच क्या है ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, किस तरीके के समाज में जो हमारे वेल एजुकेटेड लड़कियां हैं, हमारे साथ अभी लैब टेक्नीशियन थे जिन्होंने बताया किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा समाज के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है और किस तरीके से आज समाज को सज़ा मिल रही है जब से संत जी समाज में नहीं है। लाखों लोगों को रोशनी देने वाले डेरा सच्चा सौदा को आखिर क्यों सूत्रों के हवाले से बदनाम किया गया, आखिर क्यों मीडिया के द्वारा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चेंसा, जो एक सच्चे समाज सुधारक हैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि उनको झूठा बदनाम किया गया, आखिर क्यों? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज का भला हो, समाज से नशा दूर हो? ये सवाल लगातार लोग जनता से कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं इंसाफ की। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।